ਮਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਡਨੈਪ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮਾਂ, ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਤੋਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੇਠਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਉੱਡ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਸ਼। ਜਿਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜੋ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਲਗਾਈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਥਾ ਉਹ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲਗਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋ? ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਥਾ ਰਾਜਰ। ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸਕੋ? ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਆਈ ਥੀ ਸਾਥ, ਔਰ ਕੌਣ ਥਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਰ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਤੂੰ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਫਿਰ? ਕਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸਨੇ ਬਚਾਇਆ? घर से निकला तो स्कूल पहुंचा, स्कूल के बाहर पुलिस का काम चल रहा था, तो जैसे बच्चे वहां से ड्राइवरों ने तार के लाइन में स्कूल में जाने लगे ना जी, तो किडनैपरों की गाड़ी पहले वहां पे मौजूद थी। कौन से स्कूल में पढ़ता है आपका बच्चा? ये SS पब्लिक स्कूल सडोरा में पढ़ता है। हमारी गाड़ी खड़ी थी, वहां से 2 लेडीज थी, उसके अंदर 3 जेंट्स थे जी। हाँ, तो उनमें से एक जेंट्स उतरा और एक लेडीज उतरी। उन्होंने, लेडी ने बच्चे का मुंह दबोच लिया और जो लड़का है जो बता रहा है वो उसके मामा जी का दोस्त है, राजन नाम से लड़का है, उसने बच्चे को यहाँ वेपन लगा लिया। बोल रहा है कि पापा मेरे को यहाँ गोली लगा ली उसने और बोला कि तेरे को मार देंगे बैठो। तो उसके तहत वहाँ तक तो चला गया। बाद में जैसे बच्चे ने शोर मचाया तो सारा बस स्टॉप खड़ा था वहाँ पे, उन्होंने सब ने वहाँ से गाड़ी को घेरा डाल लिया किडनैपर्स की और गाड़ी को आगे से उठा लिया उन्होंने। छोटी गाड़ी थी सर। बच्चा भी सुरक्षित है? बच्चा सुरक्षित है जी। आपने थाने में कंप्लेंट दे दी है? हाँ सर, थाने में कंप्लेंट दे दी, 112 की गाड़ी मौके पे पहुंच गई थी। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई सर ये है कि बच्चे की जान को खतरा था सर, मारने के लिए आए थे, कड़ी से कड़ी सबसे सख्त कार्रवाई। हाँ मैम, इसकी नानी थी जी। ठीक है जी, बच्चे की नानी? हाँ जी, बच्चे की नानी थी जी, और एक बच्चे का मामा था, एक उसका दोस्त था। नहीं, पारिवारिक रंजिश कोई नहीं थी सर, ये तो कस्टडी मेरे पास ही है सर, सेशन कोर्ट से भी, जुडिशियल कोर्ट से भी, और ये मेरे ख्याल से हाई कोर्ट से मार्क कराई हुई है। तो बच्चे की कस्टडी? बच्चे की कस्टडी कितने टाइम से बच्चे मेरे पास? सर बच्चे की कस्टडी तो शुरू से ही, वैसे बच्चा मेरे पास ही है, पर जो केस चल रहे थे सर अभी लास्ट मंथ, 2 मंथ से जो सेशन ट्रायल था वो भी मेरे हक में था। तो ऐसा मामला पहले भी? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। यानी बच्चे को मारने की रंजिश? हाँ, पूरी बच्चे को मारने की रंजिश थी। अब हमारे पास ए आर वी पे एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि बच्चे किडनैपिंग के लिए आ रही है, तो जब हमारी ए आर वी वहाँ मौके पर पहुँची तो उन्होंने बातचीत करी, देखिए क्या था, बच्चा वहीं से सही सलामत मिल गया और गाड़ी भी वहीं थी, गाड़ी को छोड़ के भागे, और हमने थोड़ा सा सरसरी तौर पर पता किया तो पता चला कि इनका फैमिली डिस्प्यूट पहले से ही चल रहा है, हस्बैंड वाइफ, कोर्ट में केसेस वगैरह चल रहे हैं,
तो उसके बाद ये इन्होंने आए हैं, अभी मेरे से मिले हैं, बातचीत हुई है। तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी कंप्लेंट लिख के दें और जांच की जाएगी, कंप्लेंट में जैसी कार्रवाई होगी हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इसमें भी कुछ कह नहीं सकते, बताने को पता नहीं क्या कुछ बता देंगे, लेकिन वो जांच होगी, जांच का विषय होगा, जैसे जो होगा वो। बच्चा सुरक्षित है सर? बिल्कुल सुरक्षित है, बच्चा आपने देख भी लिया, वहीं था बच्चा, ठीक है, वो देख लेंगे। बाकी बच्चे से थोड़ी बहुत पूछताछ कर रही है हमारी महिला जो है, वो उससे पूछताछ कर रही है। बच्चे को स्कूल, ये जांच का विषय है, देखेंगे। घर वाले कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं, जो सच्चाई निकल के आएगी सामने देख लेंगे। बेसिकली ये जो मुझे किडनैपिंग का नहीं लगता, ये लगता है कि माँ अपने बच्चे से मिलने आई होगी, क्योंकि हो सकता है कि ये कह रहे कि कस्टडी इन्होंने कोर्ट ने इनको दी है कस्टडी। कई बार हो जाता है कि माँ का दिल हो जाता है बच्चे से मिलने, हस्बैंड वाइफ में जो चल रहा होता है, लेकिन उसका जो खामियाजा है बच्चे भुगतते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चल रहा है आजकल फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, ये ठीक नहीं है। लोगों को सोचना चाहिए, अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए, ताकि बच्चों पे, उन दोनों का असर बच्चों पे ना पड़े। हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, बच्चों पे असर पड़ता है, उनके एजुकेशन पे असर पड़ता है। जो हमारे भविष्य हैं, बच्चे ही हैं, उनको अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे, परवरिश देंगे, संस्कार देंगे, तो मेरे हिसाब से भविष्य के लिए, आगे के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा होगा।